Hello everyone, I'm Shelly Malhotra. Welcome to my kitchen, that is Shelly Malhotra's kitchen. Cheese, everybody likes cheese and kids like it most. That's why I have decided to share the recipe of Veg Cheese Toasty with you. In this toasty, I'm going to use vegetables and cheese together, and it's nutritious too. So without wasting time, let's get started with Veg Cheese Toasty. Let me show you the ingredients which I'm going to use in this Veg Cheese Toasty. Onions, cheese, which would be crushed. You can crush it with hands, or you can grate it also. Mixed herbs, these are easily available in the market. And this is mozzarella cheese, pizza cheese, which you can say. Isko bhi maine grate kara hai. Capsicum and tomato ketchup. In this toasty, I am avoiding the tomatoes. Because हम टोमेटो केचप यूज़ कर रहे हैं तो टोमेटोज की ज़रूरत नहीं है बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दैन यू कैन यूज़ इट इज़ एज़ पर योर ओन चॉइस तो इसके लिए हम फोर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले रही हूँ मैं यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ ब्रेड यू कैन टेक वाइट ब्रेड ऑल्सो और ब्राउन ब्रेड बट आई यूज़ टू यूज़ ब्राउन ब्रेड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ व्हीट फ्लोर एंड इट इज़ हेल्दी टू तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेज चीज़ टोस्टी सो इसके लिए हम टू स्लाइसेस लेंगे ब्रेड की फर्स्ट स्लाइस भी हम पहले सॉस अप्लाई करेंगे लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द सॉस सॉस इज नाउ अप्लाइड सॉस हमने अप्लाई कर दी है हम इसको साइड पे रख देंगे सेकेंड स्लाइस पे भी हम सॉस अप्लाई करेंगे प्रॉपरली आपने इसको स्प्रेड करना है इसको भी हम साइड पे रख देंगे देन वी विल टेक अवर बोल इस पर हम अपना चीज़ लेंगे हम इसकी इनर स्टफिंग रेडी करेंगे चीज़ आपको जितना चाहिए होगा आप उतना यूज़ कर सकते हो जितना आपने टोस्ट बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपके चीज़ हो सकता है लेकिन ये क्रश प्रॉपरली होना चाहिए तभी इसकी प्रॉपर स्टफिंग रेडी होगी इस पर हम यूज़ करेंगे मिक्स करेंगे अनियंस कैप्सिकम्स वेजिटेबल्स आपकी चॉइस पे हैं आप ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा डालना चाहते हो वेजिटेबल्स तो ज़्यादा डाल सकते हो हम इसको मिक्स करना है नाउ वी विल मिक्स इट प्रॉपरली तो अब हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई स्पाइसेस में आएगा सॉल्ट सॉल्ट इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट रेड चिली है ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है बट इसमें लेस चिली ही अच्छी रहेगी किड्स के लिए है किड्स ज़्यादा चिली पसंद नहीं करते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करेंगे आप इसका स्मॉल स्पून वन स्मॉल स्पून आप यूज़ कर सकते हो बस एनफ हमें ये थ्री ड्राई मसालाज इसमें डालने हैं और इसको हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसालाज हैं ये प्रॉपरली इसमें मिक्स हो जाए और वेजिटेबल्स में भी थोड़ा सा सॉल्ट और मसालाज का टेस्ट चला जाए ये हमारे मिक्स हो गए हैं Okay, now it's time to spread this inner filling on this bread. जो हमने सॉस अप्लाई करा वो ब्रेड है उस पर हम इनर स्टफिंग ये अब डालेंगे ये देखिए आपने ऐसे डालनी प्रॉपरली स्प्रेड करना है ये प्रॉपरली स्प्रेड होगा तो इसमें प्रॉपर टेस्ट आएगा आपको सैंडविच का स्टफिंग करती है ये हमारा प्रॉपरली स्टफ हो गया आपने इस तरह से स्टफिंग करनी है नाउ इट्स टाइम टू ऐड दिस ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ जो है इसको हम ऐड करेंगे इसमें आपने कोई मसाला नहीं यूज़ करने बिकॉज जब ये मेल्ट करता है ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको इसके इनर फिलिंग भी दिखाऊंगी जब ये टोस्टी रेडी हो जाएगी अंदर से ये बहुत अच्छा लगेगा जब मेल्ट करेगा ये चीज़ हमारा रेडी हो गया अब हम इसमें डालेंगे मिक्सड हर्ब वी विल स्प्रिंकल द मिक्सड हर्ब्स ऑन दिस चीज़ मोज़रेला चीज़ ये देखिए प्रॉपरली स्प्रिंकल करना है इसको इसमें थोड़ा पिज्ज़ा का टेस्ट आएगा बिकॉज आप इसको पिज्ज़ा हर्ब्स भी कह सकते हो पिज़्ज़ा हर्ब्स मिक्स और मिक्स हर्ब्स भी ये देखिए हो गया अब ये जो हमने सॉस वाला अप्लाई करा ब्रेड था ये हम इस पर लगा देंगे चीज़ आर रेडी नाउ दे आर रेडी टू पुट इट इन द टोस्ट सो दैट दे गेट ग्रिल्ड चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम इसी ग्रिलिंग के लिए टोस्टर पे पहले आपने ऑयल लगाना है ये तो आपको पता ही है ये हमने इसमें रख दिया
अभी ग्रिलिंग होगी. वी हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट दे गेट ग्रिल्ड. सो अब टाइम हो गया है, हमारे टोस्टीज रेडी हैं. अवर टोस्टीज आर रेडी. इट्स टाइम टू इनको बाहर निकालें. अब हम देखें कैसा हुआ है. ये देखिए ब्राउनिश लुक आ रही है, इनकी बहुत अच्छी आ रही है लुक, और टेक्सचर बहुत अच्छा आया है इसका. अब हम प्लेटिंग करेंगे. पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं अंदर से कैसा आया है. अब ये देखो चीज़ कैसे मेल्ट कर रहा है. ये बच्चों को यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और ये मेल्टेड चीज़ ही बहुत अच्छा लगता है. इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है. नाउ लेट मी शो इट्स प्लेटिंग टू यू. आवर टोस्टीज आर रेडी. दिस इज अ प्लेटर. आई एम गोइंग टू प्लेस दिस टोस्टीज इन दिस प्लेटर. Enjoy these toasties, garam toasties with tomato sauce. Really, it's mouth licking. मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको enjoy करें, और it tastes very good. I hope you guys are enjoying my videos. So don't forget to love, like, share, comment, and subscribe to my channel on YouTube because it means a lot to us. Okay, we will meet soon with a new recipe. Till then, take care. Bye bye.